नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ज्योग्राफी ए टू जेड चैनल पर। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं भारत का भूगोल। भारत का भूगोल के जो प्रश्न है वो आपको हर प्रतियोगी परीक्षा में मिलते हैं और हर परीक्षा में इस टॉपिक के अच्छे वेटेज होते हैं। तो आज से हम भारत के भूगोल की पूरी सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें डेली एक वीडियो आपको मिलेगा भारत के भूगोल के बारे में। सबसे पहला टॉपिक जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं वो है भारत की स्थिति व विस्तार। आज हम बात करेंगे भारत की स्थिति व विस्तार के बारे में कि भारत है वो कौन से गोलार्ध में स्थित है, किन अक्षांशों और देशांतरों के मध्य स्थित है, ये सब हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी स्थिति कहाँ है, भारत की स्थिति। लेकिन स्थिति से पहले थोड़ी सी बात करते हैं भारत के थोड़े सामान्य परिचय के बारे में। भारत जो है इसे पुराणों में जो नाम दिया गया है वो था जम्बूद्वीप, यानी पौराणिक काल में जो भारत है वो जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था। उस समय द्वीप का मतलब वर्तमान वाले द्वीप नहीं होते हैं जो कि समुद्र में जल से चारों तरफ घिरे होते हैं। उस वक्त द्वीप का मतलब होता था एक विशाल भूखंड, यानी या तो पूरा महाद्वीप या महाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र। तो उस दौरान भारत की जो स्थिति थी वो जम्बू द्वीप में थी। जम्बू द्वीप काफी विस्तृत क्षेत्र था, भारत उसका दक्षिणी भाग था। इसके बाद जो भारत या फिर इंडिया नाम है, भारत तो आपको पता है धार्मिक पौराणिक दृष्टि से कि भरत के नाम पे इसका नामकरण भारत किया गया था। और जो भारत का नाम है इंडिया वो कैसे पड़ा, इंडिया जो है ये नाम बना हुआ है इंडस से, और ये नाम दिया था भारत को यूनानी और रोमन लोगों ने, क्योंकि वो लोग जो है वो सिंधु नदी को इंडस कहते थे और इंडस के पार जो रहने वाले लोग है या फिर इंडस के पार रहने वाले लोगों का जो क्षेत्र है वो कहलाया इंडिया। तो ये हो गया इसका नामकरण, यानी पौराणिक काल में ये जम्बू द्वीप का भाग था, फिर उसके बाद इसे भारतवर्ष कहा जाने लगा और जो यूनानी लोग थे उन्होंने इसे इंडिया कहा इंडस नदी के नाम पर। और जो भारत का संवैधानिक नाम है, भारत के संविधान की अगर हम बात करें कि उसमें भारत को भारत कहते हैं या इंडिया कहते हैं, तो उसका यही है कि भारत का जो संवैधानिक नाम है संविधान में यही लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है कि इंडिया दैट इज भारत, यानी इंडिया जो कि भारत है, ये नाम यानी संविधान में भारत के इंडिया और भारत दोनों नाम मिलते हैं। तो ये तो हो गया इसका नामकरण के बारे में। अब देखते हैं स्थिति कि भारत है इसकी स्थिति कहाँ है, कौन से गोलार्ध में है, किन अक्षांशों और देशांतरों के मध्य भारत स्थित है। तो भारत की जो स्थिति है वो है उत्तरी गोलार्ध में। भारत विषुव रेखा के उत्तर में स्थित है, भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है। भारत के अक्षांशीय विस्तार देखते हैं, अक्षांशीय विस्तार है भारत का वो शुरू होता है उत्तरी गोलार्ध में है, तो भारत के अक्षांश है वो उत्तरी होंगे। उत्तरी गोलार्ध में यहाँ भारत की जो दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी उसका अक्षांश है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से भारत का विस्तार है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार हो गया 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य भारत है वो स्थित है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के मध्य में। फिर दूसरा है देशांतर, भारत का देशांतरीय विस्तार कहां तक है। देशांतर में भारत है पूर्वी गोलार्ध में, भारत जो है वो ग्रीनविच के पूर्व में पड़ता है तो पूर्वी गोलार्ध में है। भारत की स्थिति है वो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है ग्लोब पर। तो अक्षांश ये हो गए, देशांतर है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, ये जो बिंदु है भारत का ये है पश्चिमी साइड, ये है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट जो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है वो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी कि इस साइड में भी पूर्वी है और इसमें भी पूर्वी है, क्योंकि देशांतर जो है देशांतर का विस्तार है वो भारत का पूर्वी गोलार्ध में है, इसलिए भारत की स्थिति है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। ये हो गया भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार पूछे तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य, और देशांतरीय विस्तार पूछे तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री
25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य में भारत स्थित है। अब अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तारों के बाद में देखते हैं भारत का पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी बिंदु कौन सा है। भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है वो है गुजरात में गौरी माता। भारत का सबसे पश्चिमी राज्य है गुजरात और गुजरात में सबसे पश्चिमी बिंदु है गौरी माता। इसके बाद देखते हैं सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश में सबसे जो पूर्वी सीमा पर बिंदु स्थित है, क्षेत्र स्थित है, वो है किवीथू। यानी सबसे पश्चिमी गौरी माता और सबसे पूर्वी स्थान है किवीथू। इसके बाद उत्तर, सबसे उत्तर में केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर और उसका सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कोल। ये भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट है इंदिरा कोल, सबसे उत्तरी राज्य है, सबसे उत्तरी केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर। मुख्य भूमि का जो दक्षिणी बिंदु है वो है कन्याकुमारी या केप कोमोरिन जिसे कहते हैं कन्याकुमारी। सबसे दक्षिणी राज्य है तमिलनाडु और तमिलनाडु का क्षेत्र है कन्याकुमारी। वो भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है जो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। लेकिन भारत का जो द्वीप है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो मुख्य भूमि से भी दक्षिण की तरफ विस्तृत है। तो अंडमान निकोबार का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट है जो सबसे दक्षिणी बिंदु है भारत का और जिसकी स्थिति है 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पे। तो दोस्तों ये इसमें दो प्रश्न हो गए, सबसे उत्तरी केंद्र शासित प्रदेश या राज्य कौन सा है जम्मू कश्मीर, सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है तमिलनाडु, सबसे पश्चिमी राज्य है गुजरात और सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश। सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कोल, सबसे दक्षिणी बिंदु मुख्य भूमिका है केप कोमोरिन या कन्याकुमारी। द्वीपों में देखें तो सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। सबसे पश्चिमी बिंदु है गौरी माता और सबसे पूर्वी बिंदु है किवीथू। ये हो गए भारत के उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी पॉइंट या पश्चिमी क्षेत्र। इसके बाद देखते हैं भारत का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल है भारत का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत की पूरी जो मुख्य भूमि है और इसका जो इसके जो द्वीप समूह है उन सबको मिला के भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब देखते हैं कि भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है, कहां पर है। भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान है सातवें स्थान पर भारत है। भारत से ऊपर 6 देश कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले नंबर पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस, रूस के बाद दूसरे स्थान पर है कनाडा, नंबर 3 है चीन, 4 नंबर पर है यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका, 5वां स्थान है ब्राजील, 6ठा स्थान है ऑस्ट्रेलिया का और 7वां स्थान है भारत का। तो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है। भारत से ऊपर 6 देश कौन कौन से हैं, रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। ये हो गया क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के बाद देखते हैं उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई और चौड़ाई। भारत का जो उत्तर से उत्तरी बिंदु है उससे लेके दक्षिणी बिंदु तक जो लंबाई है वो है 3,214 किलोमीटर। 3,214 किलोमीटर भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई है। भारत की पश्चिम से पूर्व जो चौड़ाई है वो है 2,933 किलोमीटर। 2,933 किलोमीटर भारत की चौड़ाई है और 3,214 किलोमीटर लंबाई है। अब यहाँ जो एक प्रश्न बनता है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत उपयोगी है वो ये है कि जब हम भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देखते हैं वो लगभग 30 डिग्री है
यानी भारत की चौड़ाई और जो लंबाई है अक्षांश और देशांतरों की दृष्टि से वो लगभग 30 डिग्री के लगभग आती है। तो जब ये बराबर है लगभग अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई में इतना अंतर क्यों है? इसका उत्तर जो है वो हमें मिलेगा अक्षांश और देशांतरों में। वो कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है उसके बीच का अंतर भी लगभग 30 डिग्री आता है और देशांतर का बीच का भी अंतर 30 डिग्री आता है, लेकिन ये जो लंबाई और चौड़ाई है इसके बीच में फिर इतना अंतर क्यों आ रहा है? इसका कारण ये है कि अक्षांश जो बनाते हैं हम ग्लोब पर, तो अक्षांश जो है उनके बीच की दूरी विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बराबर होती है, लेकिन देशांतरों के बीच की दूरी जो है, देशांतर जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींचे जाते हैं, उनके बीच की दूरी विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है। इस तरह से जो देशांतर बनते हैं उनके बीच की दूरी विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है, जबकि अक्षांशों के बीच की दूरी समान रहती है। यही कारण है कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो अधिक है, जबकि देशांतरों के बीच की दूरी ऊपर की तरफ घट जाती है, जिसके कारण देशांतरीय विस्तार है वो कम है अक्षांशीय विस्तार की तुलना में। तो ये हो गया अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। इसके बाद अब पढ़ते हैं भारत की स्थलीय सीमा, भी कौन से देश के साथ भारत की कितने किलोमीटर की सीमा लगती है। तो इसे शुरू करते हैं पश्चिम से। एक बात का ध्यान रखना आप लोग कि वर्तमान में जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके प्रश्नों का अगर पैटर्न देखें तो उसमें सीधे प्रश्न नहीं पूछे जाते, उसमें एक क्रम पूछा जाता है कि जैसे भारत का यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा तो उसमें ये होगा कि भारत के पड़ोसी देश पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम से बताइए, पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम से बताइए। तो इसमें जो ट्रिक्स है वो काम नहीं करती है, पूरा याद रखना होता है। ये है, यहाँ से शुरू करते हैं, ऐसे घूम के आएंगे पूरी दूर तक कि भारत के कौन से पड़ोसी देश इसकी सीमा पर स्थित है। तो यहाँ पर सबसे पश्चिम में जो देश स्थित है वो है पाकिस्तान। भारत का पश्चिमी पड़ोसी देश है पाकिस्तान, जिसकी सीमा लगती है भारत के साथ कुल 3,310 किलोमीटर लंबी सीमा है। पाकिस्तान के बाद में यहाँ पर थोड़ी सी सीमा लगती है अफगानिस्तान की, जिसकी पीओके से भारत के साथ सीमा लगती है, पीओके की अफगानिस्तान। तो क्रम से अगर चले तो सबसे पहले आएगा पाकिस्तान, उसके बाद है अफगानिस्तान, इसके बाद यहाँ पर पूर्व की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर जिस राज्य की सीमा, देश की सीमा लगती है वो है चीन। ये क्रम चल रहा है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इसके बाद चीन, चीन के बाद में यहाँ पर है नेपाल, नेपाल के बाद में भूटान, और फिर इस साइड में पूर्वी भाग में म्यांमार, और यहाँ पर बांग्लादेश। तो ये इन देशों का क्रम हो गया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। पश्चिम से पूर्व की ओर इन देशों की सीमा है वो भारत के साथ लगती है, और दक्षिण में जो भारत के साथ जलीय सीमा लगती है वो है श्रीलंका। श्रीलंका की स्थलीय सीमा नहीं लगती, जलीय सीमा लगती है। अब ये देखते हैं कि इन देशों की कितनी किलोमीटर की सीमा भारत के साथ लगती है, वो देखते हैं इस सारणी में। सबसे लंबी सीमा लगती है बांग्लादेश की, 4,096 किलोमीटर लंबी सीमा है। ये जो यहाँ से ये जो सीमा है 4,096 किलोमीटर लंबी है, जो कुल स्थलीय सीमा का 26.95% भाग को कवर करती है। इसके बाद दूसरे नंबर पर जिस देश की सीमा लगती है वो है चाइना। चीन की सीमा लगती है 3,917 किलोमीटर लंबी सीमा है, जो कुल स्थलीय सीमा का 25.77% भाग कवर करती है। तीसरे नंबर पर है पाकिस्तान, 3,310 किलोमीटर लंबी सीमा है, जो 21.78% स्थलीय सीमा को कवर करती है। इसके बाद चार नंबर पर है नेपाल, जिसकी सीमा लगती है 1,752 किलोमीटर, और 11.53% हिस्सा है उसका भारत की कुल स्थलीय सीमा में। आगे है म्यांमार, 1,458 किलोमीटर लंबी सीमा है, 9.59% क्षेत्रफल को कवर करती है। भूटान, 587 किलोमीटर लंबी सीमा है, 3.89% क्षेत्रफल को कवर करती है ये। और अफगानिस्तान की सीमा लगती है सिर्फ 80 किलोमीटर, जो 0.52% स्थलीय सीमा का भाग है। कुल भारत की स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर, जो इन देशों के साथ लगती है। सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है पूछे तो उत्तर होगा बांग्लादेश,
सबसे छोटी सीमा किस देश के साथ लगती है? अफगानिस्तान। सबसे लंबी सीमा वाले चार देश कौन से हैं? स्थलीय सीमा वाले तो बांग्लादेश एक नंबर पे, दो पर चीन, तीन पर पाकिस्तान और चार पर नेपाल। इनको याद रखने की एक ट्रिक भी है, जो क्रम से याद रह जाती है वो ऐसे लिखा जाता है, बचपन MBA। हालांकि मैट्रिक्स में ज्यादा विश्वास नहीं करती हूँ, लेकिन कुछ एक ऐसी ट्रिक है जो वास्तव में लागू होती है, जिसमें बचपन MBA, बे से बन जाएगा बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, एम से म्यांमार, बी से यहाँ भूटान होगा और ए से अफगानिस्तान। बचपन MBA, इस तरह से ये पूरी जो सीमा है स्थलीय सीमा, इसे हम सिक्वेंस से याद कर सकते हैं। फिर यहाँ ये प्रश्न है कि भारत की कुल स्थलीय सीमा कितने किलोमीटर लंबी है? 15,200 किलोमीटर लंबी भारत की कुल स्थलीय सीमा है। स्थलीय सीमा के बाद देखते हैं तटीय सीमा कितनी है, क्योंकि भारत की तटीय सीमा भी महासागरीय और सागरीय भाग से लगती है। भारत के पश्चिम में है अरब सागर, जिसके साथ भारत की सागरीय सीमा लगती है। पूर्व में है बंगाल की खाड़ी, और दक्षिण में है हिंद महासागर। इन तीन सागरीय भागों से भारत की तटीय सीमा लगती है। ये शुरू होती है कच्छ की खाड़ी से लेके यहां कुमारी अंतरीप तक, और फिर इसके बाद इस तरफ। तो तटीय सीमा वाले जो है भारत की मुख्य भूमि की, वो है 6100 किलोमीटर। भारत के जो तटीय राज्य है, तटीय सीमा है, उनका एक विस्तृत वीडियो मैंने पहले भी बना रखा है भारत की तटरेखा के नाम से, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डिटेल में पढ़ सकते हैं, या मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। 6100 किलोमीटर है, लेकिन अगर यहाँ जैसे यहाँ लक्षद्वीप है और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो द्वीप समूह समेत भारत की तटरेखा की बात करें तो वो होगी 7516.6 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई है 6100 किलोमीटर, लेकिन द्वीप समूहों को अगर साथ में मिला दें, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को, तो भारत की तटीय रेखा की लंबाई होगी 7516.6 किलोमीटर। भारत के जो तटवर्ती राज्य है वो है 9, और केंद्र शासित प्रदेश है 4। 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश है वो भारत के तटीय सीमा में स्थित है। यहाँ पर है गुजरात, सबसे लंबी तटीय सीमा लगती है गुजरात के साथ, और सबसे छोटी तटीय सीमा है गोवा के साथ। यहाँ पर गुजरात, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी बंगाल, और इसके अलावा यहाँ पर दमन दीव के अलावा पुडुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, ये चार है केंद्र शासित प्रदेश। इनकी कितने किलोमीटर की सीमा लगती है वो आप उस वीडियो में देखिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया। तो दोस्तों, भारत की स्थिति और विस्तार का आज हमने पहला भाग कंप्लीट कर दिया है। इसका दूसरा भाग जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, क्योंकि भारत की स्थिति और विस्तार में अभी बहुत कुछ बाकी रह गया है। कर्क रेखा के बारे में पढ़ना है हमें, ये जो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है, राज्यों की सीमाएं है, उन सब के बारे में हम विस्तार से अगले वीडियो में देखेंगे। आप वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। धन्यवाद।